एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, हैप्पीनेस भी है, बिकॉज बहुतों का सपना है ये बिग बॉस के घर में जाना, एंड मुझे वो मौका मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बारे में, बट एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ। चांद, जिसे हम लोग जानते हैं, सीजन 13 हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर सीजन रहा है, यू नो, लाइक इट हैज शैटर्ड टीआरपी रिकॉर्ड्स एंड हाउ। तो आपकी जो पूरी पलटन जा रही है अंदर, कुछ परफॉर्मेंस प्रेशर है आप पे? परफॉर्मेंस प्रेशर तो नहीं है, एक रोल मॉडल लेके जा रहा हूँ मैं अपने, मेरे मतलब दिमाग में एक रोल मॉडल है जिनको मैं अपने दिमाग में एकदम मतलब बिठा के जा रहा हूँ, एंड वो है लास्ट सीजन के जो विनर सिद्धार्थ शुक्ला। लास्ट 13 सीजन में आई थिंक मेरे सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट रहे हैं वो, एंड उनको मैं अपना रोल मॉडल बना के जा रहा हूँ। सो मैं काफी सारी चीजें उनके जैसे करने की ट्राई करूंगा, एंड आई थिंक उससे हमारा टीआरपी भी शायद यू नो बहुत ही ज्यादा ऊपर चले जाएगा। मुझे एक्चुअली इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है, बिकॉज जैसे आपने बताया, मेरे करियर के शुरुआत का बहुत बड़ा एक स्टेप है ये। तो जो अब तक बिग बॉस में आए हैं, काफी बड़े बड़े स्टार्स आए हैं, यू नो बहुत ही लेजेंडरी टीवी पर्सनालिटीज एंड बहुत ही वेल नोन फेसेस आए हैं इस जगह। मैं बहुत लकी इसलिए हूँ क्योंकि मुझे चूज करने मिलेगा कि मैं अपनी इमेज कैसे बनाऊँ लोगों के सामने, बिकॉज ये पहली बार है जो इतने करोड़ लोग मुझे जानेंगे। सो ये मेरे ऊपर होगा इस बार कि मैं अपनी इमेज कैसे बनाऊँ, बिकॉज जो सेलिब्रिटीज आ चुके हैं बिग बॉस में उनकी ऑलरेडी एक इमेज बनी हुई थी लोगों के दिमाग में, जो मेरे साथ नहीं हो रहा है। और मैं काफी लकी हूँ क्योंकि मुझे अपना इमेज एकदम स्टार्ट से लेके एंड तक बनाने का ये मौका मिल रहा है थ्रू बिग बॉस, एंड इस कारण से मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस बारे में कि यू नो बिग बॉस में जाने मिलेगा मुझे, बिकॉज काफी लोगों को मेरे बारे में पता नहीं है, एंड ये मेरा मौका है उनसे जुड़ने का। तो मैं बहुत पॉजिटिव एक माइंडसेट लेके जा रहा हूं कि अब इससे इसके बाद जो होगा वो अच्छा ही होगा। मेरे डैड बहुत पहले तो एकदम शॉक हो गए थे कि बिग बॉस मतलब क्या, कहां से, कैसे, क्या, क्यों, एंड जैसे मतलब सबको ही पता है बिग बॉस का घर इज अ प्लेस ऑफ अ लॉट ऑफ इमोशंस, उसमें बहुत इमोशंस होती है, यू नो कॉन्ट्रोवर्सीज होती है, झगड़े एंड प्यार भी होता है, कॉमेडी भी होती है। तो अब मेरे डैड ने मुझे ये पूछा कि आप रेडी हो ये सब फेस करने के लिए, क्या आप समझते हो कि यू नो आप रेडी हो ये सब ये रोल्स निभाने, एंड आर यू अप फॉर द चैलेंज दैट बिग बॉस फेसेस, बिकॉज उस घर में जैसा आपने बताया काफी सारे ऐसे लोग भी मतलब जो जिनको अपने उस साइड के बारे में पता भी नहीं है जो यू नो बाहर निकल कर आता है। एब्सोल्युटली, सो मेरे डैड ने मुझे वही पूछा कि आर यू श्योर अबाउट यू नो आर यू श्योर आप दुनिया को दिखाना चाहते हो कि यू नो आप एग्जैक्टली क्या हो थ्रू एंड थ्रू, लाइक आपका फुल जो यू नो पर्सनैलिटी है वो अभी बाहर आने वाला है लोगों के सामने, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि लोगों को ये पसंद आएगा देन गो फॉर इट। ओनली शोमैन्स एंड नो रोमांस आई फील, बिकॉज मुझे यही लगता है कि जो भी अंदर आ रहे हैं, एक्चुअली देखिए मैं तो अंदर जा रहा हूँ एज अ कंटेस्टेंट, एज अ पार्टिसिपेंट, सो बाकी जो आ रहे हैं वो भी पार्टिसिपेंट्स के तौर पर ही आ रहे हैं, एंड उन सबके दिमाग में एक ही गोल है, मतलब कंटेस्टेंट्स अलग है मगर दिमाग में सबके एक ही गोल है, एंड दैट इज टू विन द ट्रॉफी। तो घर में जो भी होगा, घर में जो भी इमोशंस दिखाए जाएंगे एंड जो भी यू नो सीक्रेट शेयर होंगी वो सब गेम को मद्देनजर रखते हुए होगी, एंड एट द एंड ऑफ द डे हम वहां खेलने जा रहे हैं, तो अगर रोमांस होना भी है तो बिग बॉस के बाहर आके होगा तो होगा, बिकॉज शो में आई डोंट थिंक मेरा अप्रोच पर्सनली ऐसा होगा कि यू नो मैं रोमांस ढूंढू, नहीं मैं टास्क करने में अपना फुल यू नो 100% दूंगा,
मैं घर में जो सही है उसके लिए खड़े रहना चाहूंगा, बट आई मैं रोमांस को एज एन एंगल टू यू नो गेन फैंस आई डोंट थिंक मैं वो करने वाला हूँ, बिकॉज फिर क्या होगा कि उसमें एक अलग कंट्रोवर्सी हो जाती है, फिर वो एक अलग कंट्रोवर्सी वाला चैप्टर ही बन जाता है कि यू नो ये लोग दोनों एंड फिर उनको लेके बातचीत. एंड मेरे मॉम ने मुझे पूरे शो के बारे में शी इज नॉट टोल्ड मी एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, एंड ये बात मेरी मॉम ने मुझे बताई है कि चीप पब्लिसिटी नहीं लेना, चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा कुछ नहीं करना आप जिससे आपके फैमिली के और आपके अपब्रिंगिंग और आपके पेरेंट्स पे क्वेश्चंस उठे. एंड आई थिंक बिग बॉस के घर में ऐसे बहुत सिचुएशंस होते हैं जब ये ही सब चीजों के बारे में बातें उछाली जाती है. तो मैं रोमांस तो आई डोंट थिंक इज गोइंग टू बी वन ऑफ माई स्ट्रैटेजीज, शोमैंस यस. हाँ तो ओके, तो ये आपने मतलब बहुत अच्छा सवाल पूछा है. मैंने सिद्धार्थ का लाइक यू नो आप फ्रॉम डे वन आई हैव लव्ड सिद्धार्थ शुक्ला, बिकॉज मतलब पहले दिन पे मुझे ये पता चल गया था कि ये एक ऐसे इंसान है जो शो के एंड पे बदलने नहीं वाले हैं, जी और उनका एक एटीट्यूड ऐसा था कि मैं ऐसा हूं, पसंद आए तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, बट मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा. ये एक पॉइंट है जो मैं सिद्धार्थ का अंदर लेके जाऊंगा. एंड जो दूसरा पॉइंट आपने बताया टेम्पर के बारे में, तो मैं जनरली गुस्सा नहीं होता, मुझे ओके गुस्सा आता नहीं, आई एम नॉट शॉर्ट टेम्पर्ड. ठीक है मुझे गुस्सा करना मतलब मुझे अगर आपको एंगर मेरे अंदर आपको जगाना है तो आपको बहुत उकसाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जनरली मैं काफी चिल्ड हूँ, मतलब मुझे जो बातें काम पसंद है आपको हाँ जल्दी मतलब गुस्सा नहीं बेफिजूल आता के, है। हाँ मुझे बेफिजूल के झगड़े तो मतलब पसंद ही नहीं है. एंड दूसरी बात है ये कि मैं एक सिंगर हूँ, सो मुझे जनरली चिल्लाना और यू नो जो यू नो दैट दैट अग्रेशन वो मुझ में नहीं है, बिकॉज मेरा ये जो जगह है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है एंड दैट्स माई वॉइस, तो मैं उसको ऐसे भी जनरली खर्चा करता हूँ नहीं. सो झगड़े की जो बात है, हाँ झगड़े की जो बात है उसमें यही मैं झगड़ा नहीं करोगे तो देखोगे कैसे लोग तो वहां पे मौके ढूंढ लेते हैं कि नहीं भाई मैं झगड़ा झगड़ा करूंगा करूंगा, तो होगा। मैं बिल्कुल झगड़ा करूंगा, मैं झगड़ा करूंगा, लेकिन मैं सही चीज के लिए झगड़ा करूंगा, और जब बात सर के ऊपर चले जाए तब मैं झगड़ा करूंगा. और तब मैं इतने सालों मैंने जो रियाज किया है, इतने सालों से मैंने जो मेहनत की है, जो मैंने अपनी आवाज को तैयार किया है, फिर मैं झगड़े में वो आवाज निकालूंगा, जो शेर की अच्छा दहाड़ होती है ना वो मैं निकालूंगा. बट उससे पहले मैं बात अगर सॉल्व हो सके तीन मतलब यू नो पहले ही अगर सॉल्व हो सके तो आई डोंट माइंड, बट अगर पानी सर के ऊपर गया फिर तो मैं सिद्धार्थ शुक्ला वाला ही मेंटालिटी लेके यू नो घमासान होने को है। एकदम मतलब बिकॉज फिर पानी सर के ऊपर जाने के बाद कोई क्या ही कर सकता है. मैं सब कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, मैं घर पे बहुत मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, मैं बहुत अच्छा बेकिंग करता हूँ, और मैं घर पे सबके लिए खाना भी बनाता हूँ ओकेजनली, बिकॉज मुझे खाना बनाना पसंद है. तो वो एक चीज है जो मुझे प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी उससे. बाकी के जो घर के काम है वो तो ऑफकोर्स मुझे आते हैं सब कुछ, सब सारे काम जो होते हैं, घर पाई करना, गार्डनिंग, ये घर में खुद एक गार्डन है तो यू नो गार्डनिंग भी करते हैं हम लोग एंड ऑल, उसका मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है. इनफैक्ट कैप्टन जो डिसाइड करेंगे या उस हफ्ते में जो कैप्टन होंगे जो काम दिया जाएगा मुझे वो तो मुझे करना ही है. एंड इस जगह पे भी सिद्धार्थ का और एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन था लास्ट सीजन कि वो काम नहीं करना या ऐसा कुछ था, वो तो मगर वो बेडरूम ये ड्यूटी पे थे, वो तो सिर्फ बेडरूम ड्यूटी पे थे एंड आई थिंक, बट हाँ वो भी एंड तक थोड़ा बहुत सीख ही गए थे कुछ कर मींस ये हाँ करना। वो लेकिन अच्छी जस्ट जो बात है आगे आपको जाए खाना बनाना आता हो तो, क्योंकि किचन पे कैमरा हमेशा रहती है, वहां पे जो भी टिक के कुछ भी करता है उसको हमेशा फुटेज मिल जाता है आने खाना वहां के से। अलावा बहुत कंट्रोवर्सीज भी पकती है किचन में. हाँ, वहाँ सारे तो कुसुर फुसुर ये सब स्ट्रेटजीज एंड गेम्स डिस्कस होते मैं रहता वही है। मतलब आई आई नो अबाउट द टास्क एंड यू नो जो घर के जो काम है
उससे मैं बहुत ही क्लियर हूँ एंड आई थिंक उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. प्रॉब्लम अगर होना ही है तो आई थिंक वही कुछ चीजों के बारे में होगी जो मुझे पसंद नहीं है एज अ पर्सन. एंड अगर मेरी मेरी गलती हुई तो आई विल अपोलोजाइज. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन अपोलोजाइजिंग अगर मैं रॉन्ग हूँ. मगर अगर मैं सही हूँ तो फिर मैं एंड तक उसी बात के लिए खड़े रहूंगा, चाहे मेरे साथ कोई खड़े हो ना हो, मैं तो उस बात के लिए खड़े हूँ. आई फील आज के टाइम को 90s से कंपेयर करना पहली बात तो सही नहीं लगता मुझे, बिकॉज वो एरा जो था, जैसे हमारे बॉलीवुड में यू नो 10-10 साल का एक पीरियड होता है. वी हैव क्लासिक 60s, क्लासिक 70s, क्लासिक 80s, क्लासिक 90s. तो हर 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 वो 10 साल में यू नो दैट म्यूजिक का द एंटायर फ्लेवर, द फील, द जॉनर, इट हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स. सो आई डोंट मतलब ऑफकोर्स 90s जैसा मेलेडियस एरा तो हम सभी वो 90s के दीवाने हैं, बिकॉज यू नो द काइंड ऑफ टीम दैट वॉज देयर, द इंडस्ट्री इन द 90s वॉज ऑल अबाउट यू नो मेलेडी एंड उसको, उन गानों की रिकॉल वैल्यू तो आप अभी भी देख सकते हैं क्या है, राइट. बट करेंटली वॉट इज हैपनिंग इज आई थिंक देर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री. लोग नई चीजों को ट्राई करना चाह रहे हैं एंड यू नो देखना चाह रहे हैं कि फ्यूजन करे तो क्या होगा एंड नया कुछ करे तो क्या होगा. सो आई थिंक वंस दिस सेटल्स डाउन, मतलब वंस एक बार ये सारे यू नो ये एक्सपेरिमेंट फेज से हम निकले, तो आई थिंक काफी मेलोडियस म्यूजिक एंड यू नो वो एरा का जो एक मतलब जादू था दैट इज ऑलरेडी देयर एंड इट्स वेटिंग टू हैपन. सो आई फील दैट वी आर इन द मिडल ऑफ अ वेरी बिग चेंज इन द इंडस्ट्री म्यूजिक वाइज एंड वंस दैट चेंज इज कम्प्लीट आई होप दैट यू नो आई एम वन ऑफ द बिग पार्ट्स ऑफ द न्यू एरा वेर इन मेलेडी एंड जैसे आपने बताया पापा के बारे में, यू नो दोज काइंड ऑफ ब्यूटिफुल सॉन्ग्स जिनकी मतलब एक म्यूजिक का सुनते ही लोगों को पता चल जाता है अच्छा ये गाना है, तो जो एक रिकॉल वैल्यू है वो दिल में बसी होती है. जी बिल्कुल. तो वो जो एक वो टाइम था, आई होप कि मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करूंगा कि मैं अपने पोजीसी है उसको कायम करके आगे आ सकूं उसको लेके. एंड अपार्ट फ्रॉम मी आई थिंक या जो अभी क्रिएटिविटी के बारे में मतलब बोला जा रहा है, आई एम एक्चुअली नॉट अ म्यूजिक कंपोजर, तो मैं इस बारे में कुछ आपको बोल ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज वो म्यूजिक कंपोजर्स का काम होता है क्रिएटिंग. हमारा काम है गाना. अब म्यूजिक कंपोजर्स क्या अप्रोच करें वो वक्त के साथ ही हमको पता चलेगा, यू नो कि व्हाट हैव इन माइंड. बट टिल देन आई थिंक रीमेक्स एंड जो आपने बताया द द पंजाब से ये कन्वर्ट करना, आई थिंक वही चलते आ रहा है. एंड जब तक कुछ ऐसा चेंज नहीं आता ड्रास्टिक, तब तक आई थिंक वही प्रथा चलते आएगी हमारे इंडस्ट्री में फॉर नाउ. फर्स्टली आई थिंक इट्स अ वेरी बिग ट्रेजेडी व्हाट हैज हैपेंड, द लेजेंड्स दैट वी लॉस्ट इन दिस जस्ट इन दिस 2020 ईयर. आई मीन उसका ही एक अलग सेंटिमेंटल वैल्यू हिट हुआ है लोगों के बीच में, बिकॉज हमने इतने बड़े बड़े एक्टर्स और म्यूजिशियंस को खोया है इस साल में. इट्स जस्ट बीन एंड स्पेशली यू नो इरफान खान सर एंड देन ऋषि कपूर सर का जो वो बैक टू बैक जो एक यू नो सदमा सबके दिमाग में आया है. इसके बाद जो रिसेंटली जो द एंटायर यू नो द सुशांत सिंह राजपूत के चले जाना एंड देन ये सब चीजें आना सामने, आई फील पहली बात तो आई एम वेरी यंग टू कमेंट ऑन ऑल दिस. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट बिकॉज आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय करियर. अब तक मैंने अपने पाँव सही से अंदर भी नहीं रखे इंडस्ट्री की कि मैं आपको बता पाऊँ कुछ इस बारे में, कमेंट कर पाऊँ. मगर मैं एक चीज यही होप करूंगा कि वंस एवरीथिंग बिकम्स क्लियर एंड यू नो सब एक बार आंसर्स सबको सबके सब प्रश्नों के उत्तर जब मिल जाए लोगों को जी, तब मैं ये उम्मीद करूंगा एंड आई वुड लुक फॉरवर्ड टू दिस कि जो नया टैलेंट है जो जिनमें एक्चुअल टैलेंट है यू नो जो एक्चुअली टैलेंटेड पीपल है yes.
उनके लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म हो टू शोकेस देमसेल्व्स एंड टू शो दैट यू नो हाँ हम यहाँ हमारे खुद के दम पर आए हैं. एंड एंड ये क्राउड का हिस्सा मैं भी हूँ बिकॉज पीपल बहुत लोग ये सोचते हैं कि हाँ आप कुमार सानू जी के बेटे हो तो यू नो ब्ला 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 हो जाएगा. हाँ. मगर ये मुझे चेंज करना है कि हम भी मेहनत करते हैं. हम बहुत मेहनत करके जहां तक हम पहुंचे हैं ना, हमको यही दिखाना है कि टैलेंट के बलबूते पे इंडस्ट्री चले, ना कि यू नो सेट पैटर्न्स एंड यू नो वैसा वो जो एक है वो आई होप यू नो इट चेंजेस. दैट्स ऑल. एज फॉर द ड्रग्स एंड ऑल का एंगल तो वो तो एक अलग ही लीगल मैटर या इट्स समथिंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन. जो मुझे ऑलवेज बहुत ही बुरा लगता है बिकॉज the youth of the country, from what you know, I'm reading in the news, जो मतलब reports you know सामने आ रही है काफी, ऐसा बहुत बुरा लगता है कि इतने छोटे एज पे अगर आप ये सब चीजों में घुस जाओ तो आपका आगे लाइफ बचेगा कहाँ कि आप कुछ कर पाओ. So ये this is a very sad thing and I hope that something good happens out of this entire thing so that our country as a country can progress ahead. डायलॉग है एक, मैं बोल सकता हूँ डायलॉग गाने की जगह. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आज खुश तो बहुत हो गए तुम. यंग मैन इन बिग बॉस. ओके. आसिम रियाज. आसिम रियाज. दुनिया में नहीं है आज मेरा सा दीवाना, ये मैं उनके लिए डेडिकेट करना चाहूंगा. मधुरी माटुली. बार बार हाँ बोल यार हा, अपनी जीत हो उनकी हार हा, कोई हम रश्मि देसाई. ও আমি কলকাতার রসগোল্লা, আমি কলকাতার রসগোল্লা. সো কিউট. থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং মি, ইট ওয়াজ লট অফ ফান. এন্ড অল মাই ভিউয়ার্স প্লিজ, আপ লোক মেরে লিয়ে ভোট করিয়েগা এন্ড মুঝে আপকা প্যার এন্ড আশীর্বাদ দিজিয়েগা, মুঝে বিগ বস জিতাইয়েগা. ইয়ে হো সকে. সো চলো. থ্যাংক ইউ. অল দ্য বেস্ট. ইয়া বাই.